हेलो दोस्तों, कंप्यूटर जीके के क्वेश्चन में दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों, कंप्यूटर में एक समय पर एक से अधिक माध्यमों के प्रयोग करने की विधि को कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसे मल्टीमीडिया कहा जाता है दोस्तों, एक समय में एक से अधिक माध्यमों का प्रयोग को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लेन वैन व मैन का पूरा नाम क्रमशः क्या है दोस्तों? तो LAN का मतलब होता है दोस्तों लोकल एरिया नेटवर्क, और WAN का मतलब होता है दोस्तों वाइड एरिया नेटवर्क, और MAN का मतलब होता है दोस्तों मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्किंग। तो इन तीनों की फुल फॉर्म बता दिए दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ऐसी इंटरनेट तकनीक जिससे यूजर को स्पष्ट निवेदन भेज दी जाती है वह क्या कहलाती है? तो उसे पुश कहा जाता है दोस्तों, जिसके द्वारा यूजर को स्पष्ट निवेदन भेजा जाता है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रोबोट किस तरह के कंप्यूटर का उदाहरण है? तो हाइब्रिड कंप्यूटर का उदाहरण है दोस्तों रोबोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्टिकल कंप्यूटर कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर है? तो पंचम पीढ़ी का कंप्यूटर दोस्तों ऑप्टिकल कंप्यूटर दोस्तों। तो दोस्तों आज के कंप्यूटर जीके के क्वेश्चन पसंद आए दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट के माध्यम से अपने दोस्तों को भी ज़रूर ज़रूर शेयर कीजिए दोस्तों।